Good morning everyone. I hope you all are well. Today we are going to start our second lesson of social studies, that is our planet Earth. Have you ever thought about our planet? Like its shape, how is it move, why we can't feel its movement, why it is called a blue planet? Yes, I know you thought about it several times, but you don't get the answers. So today we are going to discuss all these topics in this lesson. Okay, so let's get started. Page number 179, chapter number 2, our planet Earth. Okay, so what is Earth? Obviously it is our planet. Earth is a unique planet in the solar system. It is the only planet known to have life on it. Earth क्या है? हमारा planet है जो कि ऐसा unique planet है solar system में, जिसमें जो है सिर्फ यही एक ऐसा planet है जिसमें life है, exist करती है. Okay? Now our first topic is shape of the earth, यानी कि हमारी earth का shape कैसा है. Okay? Earlier many peoples believe that the earth was flat, but now we know that the earth is round in shape. Actually earth is not perfectly round, it is more like an orange, slightly flat at the top and the bottom. When seen from a spacecraft it looks like a big round ball hanging in space. Okay, पहले जो है हमें ये लगता था कि अर्थ कैसी है, फ्लैट है, बट जब हमने एक्चुअली इसको कैसे बट हमें बाद में पता चला कि ये कैसी है, राउंड शेप की है, यानी कि गोल है, बट एक्चुअली ये परफेक्टली राउंड भी नहीं है ना. ये किस शेप की है? मोर लाइक एन ऑरेंज. ऑरेंज आप सभी ने देखा है ना, खाया भी है, ऑरेंज इज अ फ्रूट, तो उसकी तरह है. यानी कि टॉप और बॉटम में ये कैसी है, हल्की सी फ्लैट है. ओके, और जब हम स्पेस क्राफ्ट से अपनी अर्थ को देखते हैं तो वो कैसी दिखती है, बिग राउंड बॉल हैंगिंग इन इसका स्पेस, यानी कि स्पेस पे जैसे एक बॉल क्या हो, हैंगिंग हो, यानी कि लटकी हुई हो, वैसी दिखाई देती है हमारी अर्थ. ओके, सो आज हम अर्थ विथ पोल्स मार्क ऑन इट, यानी कि अर्थ और उनके पोल्स के बारे में पढ़ेंगे, जैसा कि ये पिक्चर में आपके दिया हुआ है. ओके, द टॉप एंड बॉटम पॉइंट्स एज शोन हेयर ऑन द अर्थ आर कॉल्ड द पोल्स, यानी कि जो ये टॉप में और ये बॉटम में ये दो पॉइंट्स दिए हुए हैं आपके अर्थ के, इनको हम क्या कहते हैं, जहाँ पे हल्की सी फ्लैट है अर्थ, क्या बोलते हैं हम इसे, नॉर्थ पोल, एंड जो बॉटम में होता है उसे क्या बोलते हैं, साउथ पोल. ओके, द पोल एट द टॉप इज द नॉर्थ पोल, द पोल एट द बॉटम इज कॉल्ड द साउथ पोल. द एरिया अराउंड द पोल आर कॉल्ड पोलर रीजन, और जो एरिया अराउंड होता है पोल के, यानी कि पोल के पास के रीजन को हम क्या कहते हैं, पोलर रीजन्स कहते हैं. ओके, द इमेजनरी लाइन शोन टू बी पासिंग थ्रू द अर्थ ज्वाइनिंग द नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल इज कॉल्ड अर्थ एक्सिस, यानी कि जो नॉर्थ पोल और साउथ पोल को ये जोड़ती हुई आपको ये इमेजनरी लाइन दिख रही है, यस, इसको हम क्या कहते हैं, अर्थ एक्सिस कहते हैं. ओके, फैक्ट फाइल में से आपको ये याद रखना है कि अर्थ इज राउंड वॉज फर्स्टली प्रूव बाय फर्डिनेंड मैगलन. ओके, यानी कि अर्थ जो है राउंड शेप की है, इसको सबसे पहले किसने प्रूव किया था, फर्डिनेंड मैगलन ने. ओके, नाउ टर्न द पेज, पेज नंबर 180. आवर नेक्स्ट टॉपिक इज मूवमेंट्स ऑफ द अर्थ. ओके, यू नो वेरी वेल अर्थ मूव इन द स्पेस, बट व्हाई यू कांट फील इट्स मूवमेंट, गिव आंसर, हैव यू एवर थॉट अबाउट इट. इट मूव्स इन टू वेज, रिवॉल्यूशन एंड रोटेशन. अर्थ कितने टाइप से मूव करती है, टू टाइप से, एक रिवॉल्यूशन से एंड एक रोटेशन करती है. एंड व्हाट इज रिवॉल्यूशन, व्हाट इज रोटेशन, आइए से पढ़ते हैं. द अर्थ रिवॉल्व अराउंड द सन अलोंग इट्स ऑर्बिट, इट टेक अबाउट 1 ईयर और 365 डेज टू कम्प्लीट 1 रिवॉल्यूशन अराउंड द सन, यानी कि अर्थ रिवॉल्व करती है अराउंड द सन. ये देखिए पिक्चर बना हुआ है, ये अर्थ रिवॉल्व कर रही है किसके अराउंड, सन के अराउंड.
तो इसको जो है पूरा एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट करने में कितना टाइम लगता है? 1 ईयर, यानी कि एक साल या 365 डेज। ओके, टू कंप्लीट 1 रिवॉल्यूशन अराउंड द सन, यानी कि सन का एक पूरा रिवॉल्यूशन कंप्लीट करने में इसको कितना टाइम लगता है? 1 ईयर, या आप उसको 365 डेज भी बोल सकते हैं। ओके, नेक्स्ट, वाई रिवॉल्विंग अराउंड द सन द अर्थ ऑल्सो रोटेट ऑन इट्स एक्सिस। दिस मोशन इज कॉल्ड रोटेशन और द स्पिनिंग ऑफ द अर्थ। द अर्थ टेक 24 आवर्स और 1 डे टू कम्प्लीट 1 रोटेशन। यानी कि अर्थ जो है रिवॉल्यूशन के साथ साथ अपनी ही एक्सिस पे क्या करती है? रोटेट भी करती है। एक तो रिवॉल्यूशन ऐसा हो गया और एक अपनी जगह पे ऐसे गोल रोटेट भी करती है। ओके, जैसे कि ये पिक्चर दिया हुआ है। ओके, दिस मोशन इज कॉल्ड रोटेशन, और इसी मोशन को हम क्या कहते हैं? रोटेशन। यानी कि मान लीजिए पेंसिल अर्थ है, ये अपनी जगह में ऐसे घूम रही है, तो इसको हम क्या कहेंगे? रोटेशन। और जब ये ऐसे ही घूमते घूमते क्या करेगी? पूरे सन के राउंड लगाएगी, तो ये क्या कहला जाएगा? रिवॉल्यूशन। ओके, सो अर्थ क्या करती है? रोटेट करती है अपनी एक्सिस पर, इसको हम रोटेशन या स्पिनिंग ऑफ अर्थ भी बोलते हैं। अर्थ टेक 24 आवर्स और 1 डे टू कंप्लीट 1 रोटेशन। अर्थ को एक रोटेशन कंप्लीट करने में कितने 24 आवर्स या 1 डे लगता है। ओके, और इसी रोटेशन के कारण क्या होता है? डे और नाइट होती है। जो पार्ट जो है अर्थ सन के, अर्थ का सन के सामने होगा वहाँ क्या होगा? डे। और जो इसके बैकवर्ड में होगा वहाँ सन की लाइट नहीं जाएगी, तो वो वहाँ क्या होगा? नाइट होगी। ओके, क्लियर है? नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज अर्थ एटमोसफियर, यानी कि हमारे अर्थ का एटमोसफियर कैसा है? एयर इज नीडेड बाय लिविंग बींग फॉर ब्रीथ, ये तो आप सभी को पता है। लिविंग बींग को ब्रीथ के लिए किसकी ज़रूरत होती है? एयर की। अवर अर्थ इज द ओनली प्लानट दैट हैज़ ब्रीदेबल एयर ऑन इट, और हमारा अर्थ ही एक ऐसा प्लानट है जहाँ पे एयर प्रेजेंट है ब्रीथ के लिए। ओके, सांस लेने के लिए। इन फैक्ट द अर्थ इज कवर्ड फ्रॉम ऑल साइड्स बाय द ब्लैंकेट ऑफ एयर, यानी कि हमारी अर्थ के ऑल साइड्स पे क्या है? एयर प्रेजेंट है, है ना? और इसी दिस ब्लैंकेट ऑफ एयर दैट सराउंड द अर्थ इज कॉल्ड एटमोसफियर, और इसी एयर के ब्लैंकेट को हम क्या कहते हैं? हमारा एटमोसफियर कहते हैं। ओके, तो एटमोसफियर क्लियर है? अगर आपसे कोई पूछे व्हाट इज एटमोसफियर, तो आप क्या बोलेंगे? द ब्लैंकेट ऑफ एयर दैट सराउंड द अर्थ इज कॉल्ड एटमोसफियर। ओके, अब जो एयर प्रेजेंट है उसमें कौन कौन सी गैसेज हैं हमारे एटमोसफियर में, तो कौन सी है बताइए? फर्स्ट इज ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, वाटर वेपर एंड डस्ट पार्टिकल। ओके, नाउ कम टू द पेज नंबर 181। आवर लास्ट टॉपिक इज अर्थ सरफेस, यानी कि हमारी अर्थ की सरफेस कैसी है? द अर्थ सरफेस कंसिस्ट ऑफ 7 लार्ज लैंडमास एंड 5 ह्यूज वाटर बॉडीज, यानी कि हमारी अर्थ सरफेस जो है किससे मिलकर बनी हुई है? कितनी चीज़ें हैं यहाँ पे? 7 लैंडमास हैं, यानी कि ये देखिए 7 लैंडमास हैं और 5 ह्यूज वाटर बॉडीज हैं, और 5 बड़ी बड़ी वाटर बॉडीज हैं। ओके, द लैंडमास आर कॉल्ड कॉन्टिनेंट, जो लैंडमास हैं उनको हम क्या कहते हैं? कॉन्टिनेंट्स कहते हैं। और जो वाटर बॉडीज हैं, ये देखिए ब्लू कलर की आपको वाटर बॉडी दिख रही है, इनको हम क्या कहते हैं? ओशियंस कहते हैं। ओके, मोस्ट ऑफ द अर्थ इज कवर्ड विद वाटर, हमारी अर्थ का मोस्ट ऑफ द पार्ट, यानी कि ज़्यादातर जो हमारी अर्थ है वो किससे कवर्ड है? वाटर से। ओके, व्हेन सीन फ्रॉम द स्पेस, जब हम इसको स्पेस से देखते हैं, अर्थ लुक ब्लू इन कलर, तो हमें अर्थ कैसी दिखाई देती है? ब्लू कलर की। ओके, देयरफॉर द अर्थ इज कॉल्ड द ब्लू प्लैनेट, इसलिए हम अर्थ को क्या कहते हैं? ब्लू प्लैनेट कहते हैं। आई होप आपको ये चैप्टर क्लियर होगा। थैंक यू।